हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। पौधों के भागों के बारे में आप पहले से जानते हैं कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हेयर इज द पिक्चर ऑफ अ प्लांट। आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इन हिस्सों को क्या बोलते हैं। जैसे अगर हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, सो दीज आर रूट्स, ये जड़े हैं, ये स्टेम या तना, ये पत्तियां या लीव्स, एंड दिस इज फ्लावर। और कई पौधों में फल भी पाए जाते हैं, वे भी हैंग कर रहे होते हैं, लटके हुए होते हैं शाखाओं पे, ब्रांचेस पे। बट आज हमने पढ़ना है कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, कि उनका आकार कैसा है, छोटे हैं या बड़े हैं, या उनकी ब्रांचेस, उनकी शाखाएं कैसी हैं, हरी हैं, सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं। तो इन बेसिस पर हमने तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं, तीन प्रकार के पौधे होते हैं। फर्स्ट इज शाख और हर्ब्स, सेकंड झाड़ी या श्रब, थर्ड इज वृक्ष या ट्रीज। और हमने इनके बीच में अंतर करने के लिए, डिफरेंस के लिए चार बेसिस बनाए हैं। मेनली तीन बेसिस हैं, तीन आधार हैं। आप जब भी किसी चीज के बीच में अंतर करेंगे तो पहले आधार निर्धारित करेंगे, बेसिस निर्धारित करेंगे कि क्या बेस है, किस चीज पर हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज स्टेम या तना। हर्ब्स का या शाख का तना हरा और कोमल होता है, ग्रीन एंड सॉफ्ट, कुछ इस तरह से। जैसे आपने गमले में लगे हुए पौधे देखे होंगे, वो यूजली हर्ब्स कैटेगरी के होते हैं या फिर श्रब्स कैटेगरी के भी होते हैं। और सेकेंड, श्रब्स में जो तना है वो कठोर है लेकिन मोटा नहीं है, हार्ड बट नॉट थिक। और ट्रीज, जैसा आप देख ही रहे हैं कि इनका जो तना, इनकी जो स्टेम होती है वो काफी हार्ड और थिक होती है, मोटी और मोटा और कठोर होता है। आकार की बात करें, साइज की बात करें, तो हर्ब्स का आकार छोटा रहता है, शॉर्टर होते हैं वो, ये मीडियम साइज के रहेंगे। और इन्हें बुशेस भी कहते हैं, झाड़ियां। इंग्लिश में आप झाड़ियों के लिए बुशेस वर्ड पढ़ते हैं, बट साइंस में नेम श्रब्स रहेगा। और ट्रीज जो है वो टॉलर हैं, ऊंचे हैं, काफी ऊंचाई तक, इनकी ऊंचाई काफी फीट तक चली जाती है। शाखाएं या ब्रांचेस कैसी होती हैं? ये पूरे तने में दोनों ओर हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जा रही हैं। यहाँ तने के आधार से शुरू होती है, मतलब जहां तना शुरू हो रहा है, इफ इट इज द मेन स्टेम, तो ये उसके साथ साथ ही शुरू हो जाती है उसके आधार से, बाकी ऊपर भी जाती है लेकिन बेस से ही ज्यादातर जो ब्रांचेस हैं वो शुरू हो जाती है। और वृक्ष में या ट्रीज में ये तने के ऊपर से, ये इसका हार्ड सा तना है, स्टेम है, और उसके ऊपर से यहां से शुरू होंगी जो भी अंदर ब्रांचेस हैं। फाइन, नाउ द एग्जांपल्स। और आज आपकी जो वर्कशीट है उसमें तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे हमें प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं और हमें उन्हें कैटेगराइज करना है कि वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज हैं, शाख, झाड़ी या वृक्ष में से वो कौन से वर्ग को बिलोंग करते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपका, और दूसरा एक क्वेश्चन आएगा उसमें कि शाख का तना या स्टेम ऑफ हर्ब इज डैश एंड डैश, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है, खालिस्तान है, तो उसमें हरा व कोमल, इसे आप मार्क कर सकते हैं कि ये आपकी वर्कशीट का आंसर वन है कि शाख का तना हरा व कोमल होता है, द स्टेम ऑफ हर्ब्स इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। ये क्वेश्चन नंबर टू है, फिल इन द ब्लैंक। और आपकी वर्कशीट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप वर्कशीट को देखेंगे और पढ़ेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू जज द आंसर, या आंसर निकालने की और लिखने की, खुद ही लिखने की कोशिश करेंगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। डोंट कम बैक, लेकिन आप आंसर को खुद लिखिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है, ध्यान से देखा है, तो आप अपने आप आंसर लिख पाएंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर थ्री इज कि जो ब्रांचेज है, शाखाएं हैं झाड़ी की, वो कहां से शुरू होती हैं? तो तने के आधार से शुरू होती हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है कि वृक्ष के जो शाखाएं या ब्रांचेस हैं वो कहां से शुरू होती हैं? तने के ऊपर से, फ्रॉम दी अपर साइड ऑफ स्टेम। तो ये आपका जो है ये आंसर थ्री हो जाएगा। नाउ आंसर वन, जिसमें आपके बहुत सारे ट्रीज के, बहुत सारे प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं और हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। सो आई हैव गिवन मेनी एग्जांपल्स हियर ऑफ ईच कैटेगरी, हर वर्ग के मैंने हर प्रकार के पौधे के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो आपके जो वर्कशीट में दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको इन्हीं में मिल जाएंगे। आपकी वर्कशीट में दो दो एग्जांपल्स हैं और कुछ उन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में दिए हैं, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर वन है
जिसमें आपको कैटेगरीज ढूंढनी है वो आप यहाँ से देखेंगे कि जैसे गाजर है या धनिया है वो कौन सी कैटेगरी का है, हर्ब्स है या शाक है। गुलाब, चमेली, गुड़हल, नींबू, तुलसी, बैसिल, लेमन, रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस, दे ऑल बिलोंग टू कौन सी कैटेगरी है, श्रब्स या झाड़ियां। एंड ट्रीज तो आप बहुत इजीली पता लग जाता है कि कौन से हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इनके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री है, या अशोक का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। तो ये सब ट्रीज से तो हम बहुत इजीली, कहीं भी नाम दिया होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम हर्ब्स और श्रब्स में आती है, तो वहां आपको कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, और कुछ अगर पौधों को आपने देखा है तो आप उनकी देखिए कि ब्रांच कैसी है, क्या बड़ी सॉफ्ट है या थोड़ी हार्ड है, उस हिसाब से आप आइडिया लगाएंगे, आप वहां बता सकते हैं कि हर्ब है या श्रब्स हैं। अगर स्टेम थोड़ी सी भी हार्ड है तो वो श्रब्स कैटेगरी में आएगा, और अगर सॉफ्ट सी है, बहुत ग्रीन है, उसका कलर ब्राउन भी नहीं है, तो वो हर्ब्स कैटेगरी में आएंगे। सो आज की वर्कशीट में आपका इन तीनों के बारे में दिया हुआ है, और मैंने इसे थोड़ा कॉलम टाइप में कर दिया है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एंड यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, आप इसे कॉपी कर लीजिए, एंड ये आपके एक तरह से नोट्स बन जाएंगे। और कभी भी अगर आप डिफरेंस देते हैं दो या तीन चीजों के बीच में, हमेशा इस तरह से की पॉइंट्स दीजिए, बेसिस बनाइए, एंड राइट ओनली द की टर्म्स, पूरे पूरे वाक्य, पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की देयर इज नो नीड। तो इस तरह से करेंगे तो लर्न भी जल्दी होगा, और बहुत प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, टीचर भी जब आपका चेक करेगी तो उसको ये बड़ी लेजिबल हो जाएगा कि बहुत अच्छे बच्चे ने अच्छे से प्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है। सो आप इसे इस तरह से नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन कर लीजिए, अच्छे से देखिए इसको, समझिए, एंड देन राइट द आंसर्स ऑन योर ओन, अपने आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए। और आपकी जो आज की वर्कशीट है, वर्कशीट 10, इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में शेयर करूंगी तो आप वर्कशीट को वहां से भी देख सकते हैं। So till the next video, till the next worksheet, goodbye.